ई टेंडरिंग से आपको दिक्कत क्या है ये आप समझाइए। ये मंच पूरा का पूरा खुला मंच है और आपकी बात इस वक्त लाखों करोड़ों लोग हमारे शो के माध्यम से सुन रहे हैं। भूपेश जी, आप एक चीज देखो, पहले जो काम ठेकेदारों के द्वारा किया जाएगा उसकी भी मॉनिटरिंग सरकार के अधिकारी जेई और एसडीओ करेंगे, और जो ग्राम पंचायतों के द्वारा कार्य किए जाते हैं उसकी भी जेई और एसडीओ मॉनिटरिंग करेंगे। आप, मैं साधारण अपनी देसी भाषा में, हरियाणवी भाषा में एक चीज समझाना चाहता हूँ, जिस काम का एस्टिमेट सरकार का जेई बना के देगा, वो किसी भी कार्य का एस्टिमेट बना के देगा, मान लो 10 लाख रुपए का एस्टिमेट बना के दे दिया। अब क्या है इसमें ई टेंडर प्रणाली में, जो ठेकेदार सबसे कम बिड लगाएगा उसको वो टेंडर दिया जाएगा। कम बिड मान लो उसने 15% या 20% घटा के बिड लगाई, 20% पैसा वैसे चला गया, उसके ऊपर जीएसटी चला गया, उसके ऊपर वो एक बिजनेसमैन है, वो अपना प्रॉफिट भी निकालेगा। देखो ये अच्छी बात है उसकी, वो तो व्यापारी है। आप जिसको ठेका दोगे, यानी सरपंच जिसको ठेका देगा, वो जो ठेकेदार आएगा वो क्या जो आप काम दोगे धर्म के नाम पे करेगा? वो इसमें फायदा अपना नहीं देखेगा? मेरे को समझाने का मौका तो, मेरी बात तो पूरी होने दो। आप, मैं दोनों पहलू रखूंगा आपके पास, आप पहले मेरी बात पूरी सुनो जी। जिस काम को ठेकेदार करेगा, 10 लाख का जिसका कार्य सरकार के अधिकारी ने जिसका एस्टिमेट बना के दिया, भाई ये कार्य 10 लाख से कम नहीं होगा, और वो काम माइनस वाला पैसा उड़ गया, ऊपर से जीएसटी उड़ गया, ऊपर से व्यापारी का प्रॉफिट उड़ गया, 10 लाख वाला कार्य 5.5 या 6 लाख में कैसे गुणवत्ता आएगी? और ग्राम पंचायतों जो कार्य करवाती है, ग्राम पंचायतें क्या काम करती है, एक तो ग्राम पंचायत के मेंबर होते हैं, ऊपर से क्या है जो गली बनती है उस गली के लोग होते हैं देखभाल के लिए, और ग्राम पंचायत ना तो व्यापारी है जिसमें प्रॉफिट निकालने की कोशिश करेगी, ना वो कम में बिड लगे। ग्राम पंचायतें गांव की चुनी हुई होती है, और कोई भी ग्राम पंचायत ये नहीं चाहेगी कि उसके गांव के अंदर गलत काम हो और उसका नाम बदनाम हो।